चुनाव को सामने रख के प्राय ऐसे कदम उठाते हैं। जो सत्तासीन पार्टी होती है वो एक नया रूप अपने दिखाने के लिए, ताकि लोगों में ये हो कि हाँ भाई अब कुछ नए रूप से आए हैं, ना कुछ शायद सुधार और कर सकेंगे। तो ये वोट के राजनीति में हमेशा ऐसे होता है कि कहीं मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, कहीं 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उनको चुनाव जीतने के बाद हटा भी दिया जाता है। तो हमारे मुख्यमंत्री को की जो विदाई है वो कम से कम चुनाव से पहले होगी। बाकी तो बीजेपी का चुनाव के बाद भी विदाई कर देते हैं। सर आप इसे कितना अच्छा मानते हैं बीजेपी के लिए? क्या जो मुख्यमंत्री हटाए गए नए बनाए गए हैं, कितना असर पड़ेगा बीजेपी पर? देखिए बात यह है कि जो मतदाता है वो 6 महीने पहले अपना मन और अपना मस्तिष्क जमा देता है कि मेरे को क्या करना है। तो उसके बाद इस तरह के फेरबदल से कोई ज्यादा ये मैं नहीं कहता कि कोई ज्यादा लाभ हो, कोई ज्यादा लाभ होने की गुंजाइश नहीं। हाँ, इस तरह के फेरबदल साल भर पहले हो तो मतदाता उस टाइम तक स्थिर नहीं होता कि मैं क्या करूंगा, किसको वोट दूंगा। अब ये समय नहीं है, अगले 5-7 दिन में तो आचार संहिता लग जाएगी, 2 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाएगा, तो इससे कोई लाभ ज्यादा मिलने का है नहीं। सर आपने पहले ही क्लियर कर दिया था गठबंधन टूटेगा और आज वो टूट गया, तो उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अरे वो टूट टाट लिए के चर्चा ये चल रही है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह के बीजेपी छोड़ने के बाद ये हरियाणा की राजनीति में भूचाल आया और ये मुख्यमंत्री भी बदले जा रहे हैं, क्या कहना इस बारे में? नहीं भूचाल भूचूल तो कुछ नहीं, लेकिन मेरा ये ख्याल था कि पार्टी, हमने तो पार्टी को सलाह भी, जब तक मैं तो अब भी बीजेपी में ही हूँ, वैसे तो अब कब उधर जाऊंगा वो तो आपको बाद में एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी तब बताऊंगा, लेकिन मैं उनको सही सलाह देता था कि जिस सोच के साथ आप मतदाताओं से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ये सोच नहीं है। मतदाता आपसे कुछ और मांगता है, आप उसको ध्यान में रख के मतदाताओं से जुड़ो। लेकिन मैंने अपने बोलने में और अपने 50 साल के अनुभव में कमी तो नहीं छोड़ी उनको बताने की, लेकिन अब उनकी एक अपनी रूपरेखा थी चुनाव में जाने के लिए, तो उसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं, अब तो सलाह ही दे सकते हैं। सांसद ब्रजेंद्र सिंह को कांग्रेस पार्टी कहां से टिकट देंगी और कहां से चुनाव लड़ने की? वो तो ब्रजेंद्र सिंह 15 तारीख को यहाँ आएंगे और जितने भी हजारों कार्यकर्ता उनको यहाँ आने पे उनकी बात भी सुनेंगे और आप भी पूछ रहे ना भाई कहाँ से चुनाव लड़ोगे। आज नायब सैनी जी शपथ ग्रहण समारोह उनका 5 बजे, क्या कहना है इस बारे? ठीक है, नायब सैनी एक समाज में ऐसे व्यक्ति को मौका मिला है जो सामाजिक दृष्टि से कमेरे वर्ग का हिस्सा है, लेकिन पूरी मानसिकता अगर आरएसएस की है ना, तो उससे हट के कोई मुख्यमंत्री अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाएगा तो ही इस तब्दीली से कुछ अंतर आएगा, वरना नहीं आता। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह कब बीजेपी को अलविदा कहेंगे कुछ? वैसे तो अब अलविदा का ऐसे होता है कि क्या बोलते हैं कि पूरे लाव लश्कर के साथ मैं ये चाहता था कि 5-4 लाख लोग इकट्ठा हों और राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी और खड़गे जी ये सारे के सारे आए, और क्योंकि वीरेंद्र सिंह अकेला बीजेपी छोड़ के और कांग्रेस में मिलेगा तो कुछ नहीं जी। जब तक साथी नहीं जाएंगे ना तब आएगी गर्मी, तो इसलिए मैंने कहा है उनको, लेकिन वो अभी इस बात पे थोड़े से वो उनका मन ऐसे करता है कि अगर हम एक जगह चले गए तो फिर 10 जगह और जाना पड़ेगा, फिर
हम किसी को इनकार नहीं कर सकते, वो कहेंगे जी वीरेंद्र सिंह के यहाँ जाए अब हमारे में चलो, तो इसलिए अभी देखेंगे कि उनका विचार क्या है, और अगर उन्होंने इस चीज की हाँ करी तो फिर देख लेना इससे बड़ा जींद के अंदर जो कहते हैं ना देवीलाल जी के समय में न्याय युद्ध में लोग इकट्ठा हुए थे, मैं कहता हूँ इस हरियाणा का नौजवान और इस हरियाणा की महिलाएं, इस हरियाणा का कमेरा वर्ग और खास तौर पर किसान वर्ग इतनी बड़ी संख्या में आएगा कि सब रिकॉर्ड तोड़ देगा। लेकिन आपके माध्यम से भी आप कहो कि भाई आ जाओ। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।